दरभंगा पुलिस का बदला रूप, नए तेवर में सड़क पर उतरे सीआईएसएफ का दस्ता। दरभंगा शहर में एसडीपीओ सदर कृष्ण नंदन कुमार एवलाइन हर बाधा से लड़ने में है सक्षम। जिन कमांडो को आप देख रहे हैं ये सभी काफी विशेष हैं। आपको बता दें कि दरभंगा जिले में ये कमांडो पहली बार आए हैं। ये आधुनिक तकनीक से लैसपूर्ण रूप से ट्रेंड कमांडो है और किसी भी स्थिति और परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है। पहले बार बिहार में इस तरह का कमांडो फोर्स देखा जा रहा है। कौन है और क्या, क्यों बुलाया गया, क्या मकसद है? दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दरभंगा जिला जो पहले से कुछ संवेदनशील रहे हैं वर्तमान में बहुत ही अच्छा है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, काम भी अच्छा हो रहा है। फिर भी यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लोगों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जिससे लोग शांतिपूर्वक पर्व त्यौहार मनावे, इसीलिए यहाँ के फोर्स को मनाया गया। ये फोर्स अलग टाइप की नजर आ रही है, इस तरह का बिहार में कभी देखा नहीं गया था। हाँ, इस तरह की फोर्स आधुनिकरण किया गया, बिहार पुलिस को आधुनिकरण किया गया है। हाँ, बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण किया गया है, उसी से सरकार आधुनिकरण का झलक है। हाँ, ये आधुनिकरण का झलक है। रंग में दरभंगा जिला में दुर्गा पूजा के अवसर पर विशेष प्रशिक्षित फोर्स को शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा मनाने के लिए सतर्कता हेतु मंगाया गया है। सर, ड्रेस कोड कुछ अलग लग रहा है सर। हाँ, विशेष प्रशिक्षित हैं, बाहर से प्रशिक्षण पाकर आए हुए हैं और सभी तरह से दक्ष हैं। किसी तरह का दंगा फसाद विधि व्यवस्था की समस्या होगा, प्रशिक्षित है और पूरी तरह से ही रोकने में सक्षम। मुझे लगता है कि आतंकवादी जो अभी बम ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर स्पेशल दस्ता है कि उससे भी लड़ सकते हैं। किसी से लड़ सकते हैं, बहुत तरह से प्रशिक्षित हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।